समझ आ रही है। बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को आज। अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और मज़े में, आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर कोई जहाँ रहे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रहे, आमीन। अच्छा जी, जैसे आप लोग को यहाँ दिख रहा है हम सारी फ्रेंड्स मिल के कहाँ जा रही हैं ये भी आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, हम सब फ्रेंड्स जो हैं मिल के जी अपनी एक दोस्त के घर जा रहे हैं। हमारी जो दोस्त है वो रहती है अलखरज में, तो उनकी जो सिस्टर है उनकी पाकिस्तान में सिस्टर की शादी रेडी थी और जी रस्में वगैरह चल रही थी। हमारी दोस्त थी थोड़ी सी उदास और बस हम सब ने डिसाइड किया कि दोस्त के घर चलते हैं, उसकी खुशी को करते हैं दोबारा। एक दोस्त उदास है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, और शोरों के साथ जाने से अच्छा है कि हम सब एक ही वैन बुक करते हैं और जी इसी वैन पे हम सब इकट्ठे होके जाते हैं अपनी दोस्त की खुशी को दोबारा करने के लिए। जी आज हम इकट्ठे होके जा रहे हैं और इस वैन में जितना हमने इंजॉय किया है यकीन मानिए लाइफ में इंजॉय नहीं किया। और फ्रेंड्स के साथ तो जी सज धज के हम जा रहे थे, लहंगे चोली और मैक्सी वगैरह सब पहन के सज धज के हमने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी कि अपने दोस्त की जी खुशी को दोबारा करने के लिए, उसकी उदासी को दूर करने के लिए। उसके घर उसने रखी थी पार्टी, तो बस हमने उसकी पार्टी को चार चांद लगा दिए कि हम एक ही वैन बुक करके जा रहे हैं। अब कुछ फ्रेंड्स हैं जो शामिल नहीं हैं, उनके प्लान थे वो शामिल नहीं हो सके, तो उनको भी हमने मिस किया इस वैन में। जो चेयर्स खाली थी, हमारा पूरा ग्रुप है माशाल्लाह, हम माशाल्लाह 12 जो है इस ग्रुप की फ्रेंड्स हैं और हम सब एक साथ ही प्लान करते हैं। जब भी मैं रियाद जाती हूँ बहुत अच्छा गेट टुगेदर हम रखते हैं, बहुत अच्छी पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी खुशियाँ बाँटते हैं और एक दूसरे को करते हैं हैप्पी। तो जी इस दफ़ा कुछ फ्रेंड्स नहीं थे, उनको हमने काफ़ी मिस किया अपनी वैन में, और इस रास्ते को जो हमने इंजॉय किया वो आप लोगों का अगर मैं ओरिजिनल आवाज़ें थोड़ी सी सुना दूं तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि सऊदी अरब में इस तरह के प्लान बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने सारी हदें पार कर दी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे इस दिन, और बच्चों को लेके जाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन फ्रेंड्स के काफ़ी फोर्स थे। अदील साहब बच्चों को छोड़ने आए थे तो बच्चों को रास्ते से ही मैंने रिसीव किया। फ्रेंड्स ने कहा कि काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो अपने भी बच्चों को लो, क्योंकि मेरे नंद के बच्चे हम उम्र हैं तो मैं वहीं छोड़ आई थी। बच्चों का कोई इरादा नहीं हो रहा था मेरे साथ आने का, तो रास्ते से पिक किया बच्चों, और हम सब के बच्चों ने काफ़ी वैन में इंजॉय किया। इतना शोर शराबा किया कि वाकई ही ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई बारात लेके जा रहे हैं, हमारी हंसी ही नहीं रुक रही थी। अच्छा जी, यहाँ जब हमने थोड़ा सा वैन को रोका तो हमें चाय की तलब हो रही थी, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना इस वैन में एक चाय का कप भी इंजॉय किया जाए। तो बस हमने अपने जो है ड्राइवर भाई को बोला कि रिवर्स करें, हमें चाय लेनी है, तो बस हमने चाय को भी इंजॉय किया। हमने कोई चांस नहीं जाने दिया कि हम अगर एक साथ हैं, एक साथ बैठे हैं तो दोस्त कोई भी इंजॉयमेंट का मोमेंट हम जाने दें। इस ट्रिप को हमने बनाना था यादगार, और बाकी ये ट्रिप हम सब के लिए यादगार बन गया है, क्योंकि हम सब फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के बग़ैर कहीं जा रही थी, हम मिल के कहीं जा रही थी और सब एक साथ सफ़र कर रही थी, तो ये फर्स्ट टाइम सबका एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा और बहुत ही मज़ा आया। तो बस हमने चाय ली और जी कड़क चाय का सबका दिल चाह रहा था तो कड़क चाय ही हम सबको मिली, और बड़े मज़े की टेस्टी चाय हम सबको मिली, और जो हम इंजॉयमेंट कर रहे थे चाय के साथ साथ हमने वैन में सॉन्ग्स भी लगाए हुए थे। हमारे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं।
जी चाय हमें मिल गई, और जी इस चाय के कप के साथ साथ जो हमने सॉन्ग्स भी एंजॉय किए पूरे रास्ते में, ऐसे लग रहा था जैसे कि वाकई हम कोई बारात लेके जा रहे हैं। हमने शादी वाले ही सॉन्ग्स वैन में चलाए हुए थे और खूब जी इस ट्रिप को हमने एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही यादगार ये ट्रिप मेरे लिए भी और मेरी फ्रेंड्स के लिए भी है। अच्छा जी, हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए और जी इसी वैन वाले भाई को भी हमने यहीं स्टे करने के लिए बोला था क्योंकि हमने वापसी भी वैन में ही करनी थी। तो बस जी हमारी लोकेशन आ गई थी और क्या खुशी का आलम था हमारे दोस्त के फेस पे, उसी की खुशी देख के हम भी खुश हो गए बहुत ज़्यादा, और ये ट्रिप और ज़्यादा हमारे लिए कामयाब हो गया कि हमारी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एक लम्हे के लिए तो वो तो बिल्कुल उसको ऐसा लगा जैसे उसका ही वाकई शादी वाला ही घर है और सेम टाइम पे एक साथ पूरी बारात आ गई। और बस जी हमने इनको जो है ना यहीं स्टे करने के लिए बोल दिया था और जी ये हम सब जा रहे हैं।
और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम सब एक साथ आए हैं और एक साथ जाएंगे। तो बच्चों ने भी पार्टी काफ़ी इंजॉय की और बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, यहाँ तैयारी हो रही है खाने की, और खाने में बहुत मज़े मज़े की डिशें थी। जितनी हमने गपशप की उसके बाद हमने खाना उतना ही इंजॉय किया, और साथ मिलके हमने सारे काम किए और मज़ा आया। पार्टी में हमने और ज़्यादा इंजॉय किया जब खाना मिलके हमने लगाया। और जी, ये मेरा फाइनल लुक था जो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को फाइनल अपना लुक और ड्रेस दिखा दूँ। तो ये मैं अपना चांस जाने ना दूँ तो मैंने यहाँ अपना फाइनल लुक दिखाया। और जी, खाने में काफ़ी अच्छी डिशें थी और ज़्यादा हमने जी खाने को इंजॉय किया साथ मिलके बैठ के। और जी, खाने के बाद थोड़ा सा मैंने जो है कहवे को टेस्ट किया, कहवा मज़े का बना हुआ था। उसके बाद जी स्वीट तो पीछे रह ही नहीं सकती, चाय के साथ साथ हमने बैठ के आराम से केक को भी इंजॉय किया और बच्चों की खुशी हो गई दुबाला केक को देख के। और जी, बहुत ही मज़ा आया हमने यहाँ से भी काफ़ी बैठ के। हाँ, ये देखो बच्चों की खुशियाँ, गिफ्ट लेके। अस्सलामु अलैकुम। ये जो कपड़े चमक रहे हैं ना। हाँ हाँ, उठाए, आ जाओ। यहाँ बस हमने फ्रेंड्स एक दूसरे को खुदाफिस किया, और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा व्लॉग। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी।